वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 2021 में जहां कई बड़ी हस्तियां अपनी शादी को लेकर चर्चा में रहीं, तो ऐसे कई सेलिब्रिटी भी रहे जो अपने सिंगल स्टेटस के कारण अपने प्रोफेशनल से हटकर सुर्खियां बटोरते रहे। हमारी इस खास रिपोर्ट में आइए मिलते हैं 2021 के इन्हीं मोस्ट एलिजिबल बैचलर से। चाहे कॉलेज गोइंग गर्ल हो या फिर रेडियो की आरजे, हरियाणा जेवलर नीरज चोपड़ा करोड़ों लड़कियों की नजर में मोस्ट एलिजिबल बैचलर रहे। उधर नीरज ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल हासिल किया और इधर एफएम स्टेशन से लेकर न्यूज चैनल और अखबारों तक नीरज के लाइफस्टाइल, फैशन सेंस और उनके बाइक की चर्चा होने लगी। लड़कियों ने इंटरनेट पर भी नीरज की लाइफस्टाइल का जमकर सर्च किया। 2021 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, मगर देश का गौरव बढ़ाने वाले नीरज को साल का मोस्ट एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इक्कीस में क्रिकेटर कर्नूल लोकेश राहुल यानी केएल राहुल खबरों की हेडलाइन बने रहे। इन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के फ्यूचर कैप्टन के रूप में भी देखा जा रहा है। दक्षिण भारत के इस मैचो मैन पर पूरे देश की लड़कियां फिदा हैं। वैसे 2021 में ही केएल राहुल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हीरो फेम एक्ट्रेस अतिया शेट्टी के साथ फोटो अपलोड कर अपने रिलेशनशिप स्टेटस को जाहिर कर दिया। एक्ट्रेस सुनील शेट्टी की बेटी ने भले ही फिल्मों में कामयाबी ना पाई हो, लेकिन राहुल के दिल पर जीत हासिल कर ली है। में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत वायरल हुआ। 2022 में पंजाब में होने वाले चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का वादा कर रही है। इस पर एक ट्विटर यूजर कीर्ति ठाकुर ने लिखा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं राघव चड्ढा चाहिए। आम आदमी पार्टी के हैंडसम मंत्री राघव चड्ढा का इस यूजर को जवाब था। घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली देने की बात हुई है, मुझे नहीं, मैं 24 घंटे सातों दिन बिजली का वादा कर सकता हूँ, अपना नहीं। ट्विटर यूजर कीर्ति ठाकुर और राघव चड्ढा की इस मजेदार नोकझोंक के ढेरों मीम्स बने। इस साल नवंबर महीने में दिल्ली जल बोर्ड के इस वाइस चेयरमैन राघव को स्टाइलिश पॉलिटिशियन का अवार्ड भी मिला। दिल्ली में फ्री इलेक्ट्रिसिटी का तो नहीं पता, लेकिन राघव चड्ढा की चाहत का करंट लाखों लड़कियों को झटका दे रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे हर ड्रेस में स्मार्ट दिखते हैं। कूल लुक और स्माइलिंग फेस के इस युवा राजनीतिक का चेहरा इनको लड़कियों का फेवरेट बनने के लिए काफी है। महाराष्ट्र सरकार में टूरिज्म एंड एनवायरनमेंट कैबिनेट मिनिस्टर होने के साथ साथ वो शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के पोते हैं। इनका भोला भाला चेहरा अक्सर किसी न किसी वजह से टाइमलाइन में बना ही रहता है। इसके अलावा सीरियल महादेव के शिवजी यानी मोहित रैना और बाहुबली फेम प्रभास की गिनती भी साल के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में होती है। बॉलीवुड से इस कैटेगरी में फिलहाल रणबीर कपूर भी शामिल है, मगर ऐसा माना जा रहा है कि 2022 में वो आलिया भट्ट के साथ शादी के बंधन में बन जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।